और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा की मुलाकात सोनभद्र के पीड़ितों के साथ इस वक्त हो रही है, उन्हें यहां पर लाया गया है क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ये साफ तौर पर कह चुकी थी कि वो सोनभद्र पीड़ितों के परिवार से मुलाकात किए बगैर वापस नहीं लौटेंगी। अंशिका, देखिए तस्वीर बताती है कि आखिर मुलाकात। बिल्कुल, और प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि धरने पर बैठी थी, अपनी मांग पर अड़ी हुई थी, प्रशासन को उनकी इस मांग के आगे झुकना पड़ा और आखिरकार सोनभद्र से मिर्जापुर लाया गया पीड़ित परिवारों को। और अब पीड़ित परिवारों से मुलाकात करती हुई प्रियंका गांधी वाड्रा उनकी तकलीफों के बारे में जानती हुई, पूरे वाकये के बारे में जानती हुई यहां पर नजर आ रहे हैं। तो सोनभद्र मामला एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश के रोंगटे यहां पर खड़ा कर दिए। जमीन मामले को लेकर, 90 बीघा जमीन को लेकर जो विवाद सामने आया, खूनी संघर्ष में तब्दील हुआ, 10 लोगों की गोली मारकर हत्या यहां पर कर दी गई। तो एक तरफ कानूनी प्रक्रिया जारी है तो दूसरी तरफ सियासत भी उबाल पर है। तमाम सियासी पार्टियां जो है विपक्ष के तौर पर सीधे तौर पर अब मुलाकात करना चाहती हैं प्रियंका गांधी। जब कल यहां पर पहुंची थी तब उन्हें रोक दिया गया, हिरासत में ले लिया गया। सोनभद्र में धारा 144 लागू है, जानकारी आप तक पहुंचा दें। टीएमसी सांसदों को भी रोका गया, लेकिन इस वक्त मुलाकात यहां पर किसी और को तो नहीं रोक रहे हैं ना, इतने कार्यकर्ता हैं, कल से किसी को रोका है? उन्होंने क्या किया है कि तुरंत आप लोग आए? पीड़ित परिवार के रिश्तेदार आए हैं गांव से मेरे से मिलने, ये 2 जने हैं, इनको आने दिया है, बाकी 15 जने वहां हैं, मेरे से मिलने आए हैं। पीड़ित परिवार के सदस्य हैं, जिनसे मैं मिलने आई थी वो मेरे से मिलने आए हैं, उनको भी गेट पे रोका जा रहा है, इसीलिए मैं जा रही हूँ वहाँ पे रोकने के लिए, मुझे रोका जा रहा है। तो मैं कह रही हूँ कि उनको आने दीजिए, वो इतनी कष्ट में यहाँ आए हैं, कम से कम मेरे से मिलने तो दीजिए। मैम, क्यों प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है? भगवान जाने उनकी क्या मानसिकता है, क्यों मिलने नहीं? इनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, नरसंहार हुआ है, लोगों की हत्या की गई है, इनके परिवार के सदस्यों की हत्या की गई है और इनको रोका जा रहा है? तमाम कार्यकर्ता आते जा रहे हैं कल से, उनको नहीं रोका? इन्होंने कौन सा अपराध किया भाई कि इनको रोका जा रहा है? लाया प्रशासन या स्वयं आया? मुझे नहीं मालूम, ये स्वयं आए हैं कि वो स्वयं आए हैं, मिलने के लिए आए हैं। ये रहे, आप लोग बताइए, नाम बताइए, आप लोग भोरावल से, सर भोरावल से मिलने आए हैं? हाँ, नहीं मिलने नहीं, वहाँ वो भाष होकर आए हैं, रोक दिया है ना? हाँ, रोक दिया गया सर। आप लोग अपने से मिलने आए हैं? नहीं, परेशान हम लोग प्रशासन लेकर यहाँ से आए, बस हम लोग आए, वो लोग के कुल छोड़ दिए हैं सर, वही है अपने से मिलने के लिए। हम लोग अपने से मिल के अपना सवारी गाड़ी से आए हैं, टेम्पो से आए हैं सर। कितने लोग आए आप लोग? हम लोग 15 आदमी आए हैं सर। कहाँ प्रशासन कहाँ रोक रहा है? रोक रहे हैं सर, वहाँ है महिला भी आए हैं, महिलाएं भी हैं। मैं प्रशासन की मानसिकता तो बिल्कुल नहीं समझती, प्रशासन को इनकी रखवाली करनी चाहिए, इनकी सुरक्षा करनी चाहिए, जब इनके साथ हादसा हो रहा था तब मदद करनी चाहिए थी, कुछ नहीं किया। अब ये यहाँ तक आए हैं मेरे से मिलने, आने भी नहीं दे रहे हैं, तो प्रशासन की मानसिकता मेरे समझ से बाहर है। ये दो लोग तो आए, जाके देखिए ना, थोड़ा दबाव लगाइए, आप दबाव लगाइए कि यहाँ आने तो दें, आप यहाँ मेरे पीछे पड़े हो जाइए भैया। अरे भैया, मुलाकात कैसे होगी अगर बाहर रुका है तो?